गाइज अभी है ना मैं सोच रही हूँ कि व्लॉग का एंड कर दूँ, कल कहीं ज़्यादा ना हो जाए, तो अगर लंबा होगा तो फिर व्लॉग का एंड कर दूँगी। और अभी आज है, मैं आपको बताऊँ यार, आज है क्या यार, भूल जाती हूँ इतना सारा काम। ये वाली न्यू टॉवल निकाली है, अभी यूज़ नहीं की है, बस निकाली है, पहले मैं इसको वॉश कर दूँगी। ये वाली टॉवल है ना, मतलब एक शादी में मिली थी, तो आज है मंडे। कैमरा ऑन होते ही मेरी यहाँ खुजली स्टार्ट हो जाती है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, काम इतना मैसी हो रहा है क्या यार। हाँ तो आज है गाइज मंडे है आज, और मैं सोचती हूँ कि व्लॉग की का एंड कर दूँ। और दोज अभी मंजू दीदी और संजू दीदी गई हैं, मतलब रिको में तो है ही है वो, लव के पापा सुर भी लग गए हैं रिको। और मैंने सोचा कि जब तक मैं ये रूम को सही करूँ, आज इतना काम हो गया था गाइज, मैं आपको बताऊँ कि मंदिर अब जैसे पूजा पाठ हुआ ना, दीपावली का हुआ और फिर गोवर्धन दौज, तो इतना सारा मतलब सामान, मतलब ठाकुर जी के जो जितना भी सामान था ना मंदिर का होता है ना पूजा का सामान, वो सारा है ना इधर से उधर ऐसे करके सारे रखे हुए थे। अब वो सारे मैं बताऊँ, एक साइड अच्छी तरह से लगाए मैंने, यहाँ पर तरीके से लगाए मैंने, ये देखिए ये तरीके से लगाए, तो ये सब है ना तरीके से लगाए, ये सब तरीके से लगा दिए सारे, मैसी हो रहे थे, मैं आपको दिखाऊँ, ये सब तरीके से लगा दिए, ये सब, ये सारे सामान है ना, ये वाली घंटारी निकाल दिए, और ये सब, ये देखिए सब तरीके से लगाए। और तो मन में एक भजन आ रहा है ठाकुर जी का, खाटू श्याम जी का, तो वो मैं गा देती हूँ। तू कृपा कर बाबा तेरा भवन सजाएंगे, हो कीर्तन करे ऐसा इतिहास रचाएंगे, हम खाटू में आकर बाबा भोग लगाएंगे, और भवन में तेरे बाबा में भी बटवाएंगे, तू कृपा कर बाबा। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँगी, ये मंडे का वीडियो है, यानी कि जो दौज के दूसरे दिन का वीडियो है, और मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई थी क्योंकि मुझे ये वाला जो क्लिप है ना कल की वीडियो में लगानी थी, लेकिन वो मैं गलती से नहीं लगा पाई थी, तो मैंने सोचा कि क्लिप है मेरे पास में तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये हो रहा है, लगभग 4:30 बजे का टाइम हो रहा है, और लबके पापा आ चुके हैं, और यहाँ पर खाना पीना सब हो गया था, मंजू दीदी संजू दीदी घर आ गई थी रिको से, तो उनको जाना था। मैं बताऊं कि मंजू दीदी को तो अपने घर निकलना है टौरा के लिए, और संजू दीदी है ना रुकेंगी, और वो जाएंगी शाम को क्योंकि उनकी 7 बजे की ट्रेन है, जिया जी 7 बजे तक मतलब ले जाएंगी उनको। और इधर संजू दीदी ने मेरे से बोला कि भाभी जो ब्लाउज मैं रेडीमेड वाले ब्लाउज लेकर आई थी ना, उनको बहुत पसंद आए थे, तो वो बोली कि भाभी मेरे को भी वैसे ब्लाउज चाहिए, आप मेरे को भी दिलवा कर लाओ। तो पहले तो मैंने बोला कि चलो अब की बार आओगे ना जब दिलवा दूँगी, अभी मैं थकी हुई हूँ, मार्केट जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, क्योंकि आज मुझे काली माता के मंदिर भी जाने का मन हो रहा है, क्योंकि मंडे को, आज मंडे है ना, तो मैंने कहा काली माता के मंदिर होके आती हूँ। तो फिर संजू दीदी भी साथ में मेरे गई थी काली माता के मंदिर, अभी हम जा रहे हैं, और फिर वहीं से हम मार्केट से होके आएंगे, जो कि है ना फिर आपको पता ही है मार्केट में तो फिर लग ही जाता है टाइम, तो 1-2 घंटे तो लग ही जाते हैं, वैसे हमारा पास में ही मार्केट है, लेकिन फिर देखते हैं। तो इस तरह से फिर हम करीब है ना 5 बजे करीब हम निकल गए थे घर से, और 6 बजे करीब लौट कर आए थे अब काली माता के मंदिर होते हुए, तो कैमरा ले जाने नहीं देते यहाँ पे माता के मंदिर में, तो फिर मैं लेके संजू दीदी की और लव के पापा की बातें हो रही हैं, क्योंकि संजू दीदी ने अपनी शादी की है जो सीडी है ना, उस समय तो सीडी ही चलती थी,
तो वो निकलवाई थी मेरे से, निकलवाई थी मेरे मतलब हमारी शादी की भी, संजय दीदी की शादी के साथ में रखी है। अब वो रख के भूल गई कहाँ, मतलब कहाँ रख दी थी मैंने, वैसे उन्हीं के बैग में ही रखी हुई थी लेकिन वो दिख नहीं रही थी, तो वही बात चल रही है उनकी। और यहाँ पे ये इनके ब्लाउज हैं जो कि ये मैंने फिर जल्दी से आपको दिखा दिया, मैंने कहा मैं दिखा तो दूँ। तो यहाँ पे ये 5 ब्लाउज लेकर आई थी संजय दीदी, और एक इसमें ये ग्रीन वाला ब्लाउज है जो कि है ना कलर अच्छा लग रहा था इसका, तो ले आए थे लेकिन छोटा साइज है, तो वो चेंज करके फिर उनका गोल्डन कलर का मेरे को लेके आना है, वो यहीं पर छोड़ के गई हैं घर पर, तो मैं जाऊंगी किसी दिन मार्केट तो फिर चेंज करके मेरे को लाना है। तो जल्दी से मैंने कहा जो लेके आई हैं और काफ़ी अच्छे, बाय और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि मंजू दीदी, संजू दीदी और मैं और सुरभि नाम मार्केट से टिक्की और ये सब खा कर आए थे, तो लव के लिए लेकर आए थे, तो वही लव से बोल रहे थे कि लव तू नीचे बैठ के खा, यहाँ पे सब होता है ना सबके साथ में ही होता है गाइज, ले लेके पलंग पे आके बैठ के सब लोग खाने लगते हैं, तो मैं कह रही थी उस पर टपक जाएंगे, तो वो तो वही मैं लव से बोल रही थी। तो वैसे ये कि मैं ना अपने गद्दे के नीचे एक कपड़ा रखती ताकि तुरंत निकाल लो, लेकिन कभी कभी फिर भी उठ जाता है गाइज, बैठ जाते हैं ये लोग तो फिर नहीं बिछा पाते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि दोनों बहन भाई खा लेंगे। तो गाइज अभी बन चुकी है हमारी पत्ता गोभी की सब्जी जो कि माँ ने बनाई है, खास ऑब्वियसली माँ ही बनाएंगी, ऑब्वियसली बात है गाइज, और इतनी टेस्टी लगती है सब्जी मुझे तो बहुत ज़्यादा। आलू डाले या नहीं इसमें? डाले आलू मटर, मतलब कि पापा की पसंद है, बस डैड वाली भी तो बहुत टाइम है, डैड मामू को भी पसंद है, पता है ना मामू को, तो वो भी आलू और आलू आलू मुझे पता को डैड मामू की पसंद है, मामू को खा के जाते थे पहले सुबह। तो आज का डिनर वैसे जल्दी बन जाता लेकिन जीजा जी ने मना करती थी खाना खाने की, क्योंकि उनके ट्रेन का टाइम हो गया था, वो उसी टाइम पर आए थे अपने और 7 बजे की उनकी ट्रेन थी, तो उन्होंने मना कर दी कि नहीं अब खा भी नहीं पाएंगे, तो अब मत बनाओ आप, उन्होंने यूँ कह दी थी आप आराम से बना लेना। तो यहाँ पर फिर मैंने भी गाइज मैं बताऊँ कि फिर देर में ही बनाया था खाना, तो क्या होता है कि लपके पापा आते ना डेरी से, तभी मैं मतलब उस सब्जी वगैरह बना लेती हूँ और रोटियाँ फिर मैं तभी गरम गरम डाल देती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर अगर हो सके, अगर पॉसिबल हो तो गरम रोटियाँ ही खिलानी चाहिए अपने पति को, मेरा ये मानना है, क्योंकि यार अगर बीवी होते हुए भी अगर ठंडी रोटी खाए तो क्या मतलब निकलता है, तो मैं ये मानती हूँ। तो मैं कोशिश तो ये करती हूँ कि लपके पापा को गरम रोटियाँ खिलाऊँ, क्योंकि सुबह भी है ना वो उस टाइम आते हैं तभी मैं बना देती हूँ। और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ ये व्लॉग अब है कल का, यानी कि वेनसडे का व्लॉग है। तो यहाँ पे गाइज बस सुरभि स्कूल चली गई थी, अब सुरभि के स्कूल खुल गए हैं और यहाँ पे ये बेडशीट वगैरह जड़ा दूँगी, और मैं ये सोच रही हूँ कि ये वाली बेडशीट काफ़ी भारी है गाइज, तो मैं सोच रही हूँ कि इसे ना मतलब एक दो दिन और बिछा के फिर मैं ना इसे ना फिर मैं इसे वॉश कर दूँगी, क्योंकि काफ़ी भारी है। और अभी है ना मैं यहाँ पे देखिए, ये लपके पापा देखो ट्यूबलाइट लेकर आए हैं और अभी लगाने का कोई वो नहीं है, और ये बेडशीट है ना गाइस दोनों साइड से बिछ जाती है, इस बात से बढ़िया लगती है दोनों साइड से, इसका इस साइड ये है। चलिए यहाँ पर हमारा, तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि नल आ चुके हैं और अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए, बर्तन वगैरह जो भी चाय वगैरह के थे वो साफ़ कर दिए मैंने अपने लिए, सुरभि के लिए बनाई थी तो सुरभि ने नहीं पी थी, और यहाँ पे मैंने एक पराठा गऊ माता के लिए बनाया था और एक पराठा सुरभि के लिए पनीर का बना दिया था, नाइट में भी बनाया था। और अब मैं नहा के आ चुकी हूँ और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि बाकी आटा मैंने रख दिया था, थोड़ा सा ही मतलब लगाया था मैंने, मतलब गूंदा था 2-4 रोटी का ही मतलब पराठों का, तो 2 पराठे ही बनाए थे मैंने। और यहाँ पर गाइस कर लूँगी ठाकुर जी की पूजा, तो मैं ऐसा नहीं करती कि आटा जैसे मैं गूंद के नहीं रखती हूँ ढेर सारा, मेरे को जितनी ज़रूरत होती है मैं उतना ही गूंदती हूँ, और अगर कम पड़ता है ना तो मैं वापस दोबारा से भी गूंद लेती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं
इकट्ठा एक साथ गूंद के रख लूँ फिर फ्रिज में रख दूँ, ऐसा नहीं होता है। अभी ये सुबह मैंने सुरभि के लिए बस चार रोटी का या पराठे का समझो, फिर उसके लिए एक पराठा बनाया था, एक गऊ माता के निकाल दिया था। गऊ माता के लिए इसलिए निकाल दिया था गाइस, वैसे मैं नहाया नहीं था मैंने, लेकिन मैं निकाल इसलिए देती हूँ क्योंकि है ना पहली रोटी जो बनती है ना वो मैंने यहाँ के लिए डेडू से प्लेट मंगाई थी, तांबे वाली प्लेट छोटी वाली मंगाई थी इस यहाँ के लिए, मैंने कहा यहाँ के लिए तांबे की प्लेट, और डेडू बड़ी वाली प्लेट लेकर आया, तो वो अब हम गाइस जी को ले जाएंगे उस वाली प्लेट का। मैं यहाँ के लिए मैं आपकी पूजा कब होगी? मेरी पूजा हो गई बस, मेरी भूख लग रही है बहुत तेज वाली। एक बजे जाऊंगा सुरभि को लेने के लिए, 12:55 पे निकलूंगा। ऐसा नहीं हो 12:30 ही आ जाए वो, 12:30 चला जाएगी तू तो। क्या 12:30 छुट्टी हो जाती है? छुट्टी लेकिन एक बजे होती है ना, फिर वो एक सर से पढ़ाते हैं ना उसका आधे घंटे, फिर एक्स्ट्रा क्लास लगती है ना फिर उसकी। हाँ लव के पापा बोलती रहती है, कभी मेरा भी नाम लिया करो सुरभि के पापा, तो ये सुरभि के पापा लेकर आए हैं सूजी सुरभि के लिए। ऐसे बनेंगी आज इडली, इडली और बनेंगी आज, अरे वाह, इडली और सांभर बनेगा तो शुड बी वाज़ सरप्राइज। इसमें से थोड़ा सा मैं सूजी का हलवा बनाऊंगी, क्योंकि जब भी कुछ आता है ना तो फिर मैं सोचती हूँ कि पहले ठाकुर जी के लिए निकले, विशेषकर अगर सूजी आई है ना तो उसको ये नहीं डायरेक्ट अपने लिए कुछ भी बनाओ, नहीं तो ठाकुर जी के लिए थोड़ा सा सूजी का हलवा बनाऊंगी, थोड़ा सा क्या हम सब लोगों के लिए एक एक कटोरी हो जाए, तो खास करके मेरे लिए। माय गॉड, दाल मेरे पास दाल तो मेरे पास कई दालें हैं, अरहर की दाल और मसूर की दाल चाह रही थी, वो जल्दी हो जाती है, मूंग की दाल भी है मेरे पास, लौकी ये वाली है, ये सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, इस वाली गोला लौकी बोलने से गोला लौकी, बोलते हैं गोला लौकी लपकी। क्या यार कैमरे को लपकी, साइकिल आ गई है जो कि बाहर रखी हुई है, न्यू नहीं कह सकते और ओल्ड भी नहीं कह सकते, उसको कहते हैं ओल्ड भी नहीं कह सकते, आप देख के इसको वो ठीक ठाक है, तो आज ट्यूशन जाएगा साइकिल से, न्यू साइकिल थी ये रेंजर वाली है। हां अच्छी बात है। तो यहाँ पर गाइस जो मतलब इस डब्बे में मतलब दो पॉलीथीन में ना पुरानी सूजियाँ मिल जाएंगी, तो वो निकाल लूँगी और नई को थोड़ा मैं रख दूँगी, तो यहाँ पे ये देखिए ये दोनों पॉलीथीन में मिल गई है गाइस। और अगर वीडियो पसंद आए गाइस तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और आगे का जो इडली और सांभर का जो भी व्लॉग है ना मैं कल के वीडियो में ऐड करूँगी, क्योंकि फिर वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो बस यहाँ पर गाइस इसमें से पहले मैं बनाऊँगी सूजी का हलवा बनाऊँगी, उसके बाद मतलब इडली सांभर बनाऊँगी, तो यहाँ पर बट तो यहाँ पर यार मैं लौकी कट कर रही हूँ, दाल बना दूँगी चने वो लौकी वाली, तो इसमें ना दाल में मसूर की चने की, मसूर की तो नहीं है मेरे पास, मूंग की है और चने की अरहर की वो सारी दाल ऐड कर दूंगी, मसूर की बनाना चाह रही थी इसके साथ, क्योंकि लौकी की दाल के साथ मसूर की दाल बहुत टेस्टी लगती है। बाकी इसमें ये है कि तड़का वड़का एकदम सांभर वाला लगा देंगे तो हो जाएगा। लबके पापा बोल के गए थे कि बच्चों की ये इसकी सब्जी मत बनी हुई, इसकी वो सांभर बना दियो, तो वो बना दूँगी, मसाला वगैरह ऐड कर दो ना तो टेस्ट अच्छा आ जाता है। अभी सूजी को तो मैं पेस्ट तैयार करके रखी आई हूँ, दूध को बॉईल करने रख के आई हूँ, अभी मुँह हाथ धो के आई हूँ और ठाकुर जी का दीपक रखूँगी। अभी ये इस लौकी को कट करके दाल चढ़ा के आऊँगी, बर्तन साफ़ करूँगी और फिर उसके बाद दीपक रखूँगी, बर्तन साफ़ करने के बाद फिर उसके बाद अपने लिए चाय बनाऊँगी और हो सकता है सूजी का हलवा पहले बना दूँगी, चाय पीने से पहले सूजी का हलवा ठाकुर जी का भोग लगा दूँगी, सूजी का हलवा बनाऊँगी।
तो चाय फिर देर में ही बना पाऊँगी, क्योंकि पहले ठाकुर जी का भोग लाऊँगी तब चाय बनाऊँगी। ठीक है, तो मैं इसको कट कर लेती हूँ। अभी लव ट्यूशन गया है और सोच रही हूँ 8 बजे तक सारा कंप्लीट हो जाए, वीडियो की एडिटिंग वगैरह में टाइम लग जाता है एडिटिंग। नाइट में फिर उतनी करती हूँ मैं उस टाइम पे, एकदम भूचाल सा आया था। और अभी मैं आपको बताऊँगी ये जो अलमारियाँ हैं ना ये सब चेंज करने वाली हूँ, अभी आज टाइम मिलेगा तो करूँगी, देखती हूँ आगे। हाँ, ये जो मेरी वाली अलमारी है ना, ये वाली अलमारी ये लव सुरभि को देनी है वापस करके, ये उन्हीं के लिए बनी थी, उन्हीं को दे दूँगी। और लव के पापा की अलमारी है ना, ये इधर वाली अलमारी लव के पापा की, लव की वो है, वो वाली अलमारी मैं ले लूँगी उधर की साइड की। मेरी अलमारी की कहोगे ना गाइस तो मेरे तो कपड़े आपको हर अलमारी मिल जाएंगे, नीचे की में, ऊपर की में, इसमें सब मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा लव के पापा की क्या है कि वो छोटी सी अलमारी लव के पापा को हमने दे रखी है, उनके कपड़े अच्छी तरह से आते नहीं हैं और वो कुछ कहते भी नहीं हैं, तो उनकी जो अलमारी है ना, सुरभि की अलमारी जो दे रखी है सुरभि को, वो वापस उनकी अलमारी दे दी जाएगी, बच्चों की ये वाली हो जाएगी। मेरी तो पूरा सामान आ जाएगा तो टेंशन नहीं है, नीचे तक का मेरा सारा सामान आ जाएगा। लव के तो इतने ज़्यादा नहीं है, उसके तो एक उसमें आ जाएंगे, सुरभि का भी ज़्यादा है। मेरी साड़ियों की कहूँगी ना गाइस तो इसमें क्या क्या मैं आपको, मेरी साड़ियाँ नहीं मिलेंगी। और अगर ये कहीं कहा जाए कि जब मैं पहनती हूँ तो ये वाली साड़ी भी मैंने पहनी हुई है, ये भी मैंने पहनी हुई है, ऐसा लगता है कि साड़ियाँ है ही नहीं है बाकी में गाइस। अगर मैं निकालूँ ना तो इसमें सब में मेरी साड़ियाँ ही भरी पड़ी हुई हैं। कुछ साड़ियाँ तो अभी मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं की हैं, कुछ तो बहुत मतलब मेरी शादी के टाइम की साड़ियाँ हैं जो मैंने खुद से अपने हाथों से बनाई हैं गाइस साड़ियाँ, वो तो मैंने आपके साथ शेयर ही नहीं की है। सोच रही हूँ कि मेकअप की वीडियो बना दूँ उस साड़ी में, एक मेरी ऑरेंज कलर की साड़ी है उसमें बना दूँ मेकअप की वीडियो, अच्छी आएगी, देखते हैं। सोचती तो बहुत कुछ हूँ लेकिन गृहस्थी जीवन में हो जाए उतना काम कम है। चलिए लौकी काट लो क्योंकि ये पहले ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये टाइम से नहीं बने तो फिर चलो कोई बात नहीं है। ये खड़ी है, ये देखिए, और यहाँ पे ये इसकी सुबह की तो मैंने दे दी थी, फिर मैंने दोबारा बनाई थी ना तो दोबारा नहीं आई थी। इसको दोनों इसी को खिला दूँगी क्योंकि है ना, एक और है उसका पता नहीं वो कब आएगी। खालो, अब मेरे को अभी काम करना है, ठीक है तुम जाओ, अब जाओ तुम, मुझे भी बहुत सारा काम करना है। चलो गाय को रोटी दे दी गाइस मैंने।